कहानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संघ ने खाद्यान्न में की गई कटौती के संबंध में खाद्य मंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आज कुरवाई में मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संघ ने जिला अध्यक्ष राजेंद्र कटारे के नेतृत्व में खाद्य मंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में कुल आवंटन में अधिकांश दुकानों पर खाद्यान्न में कटौती कर खाद्यान्न आवंटित किया गया है। संघ का कहना है कि हमसे कोरोना काल में ऑफलाइन खाद्यान्न आवंटित करवाया गया था एवं पूर्व में भी मशीनों को सही तरीके से संचालन नहीं होने पर भी स्टॉक की स्थिति स्पष्ट नहीं हुई और उसे घटाया नहीं गया है। इसी आधार पर इस महीने का खाद्यान्न आवंटन कर दिया गया है, जिससे हम विक्रेताओं को खाद्यान्न वितरण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मशीन की गलती है कि हमारे पास स्टॉक बता रही है, परंतु वर्तमान स्थिति में हमारे पास स्टॉक उपलब्ध नहीं है। इसलिए खाद्यान्न मंत्री से अनुरोध करते हैं कि सही तरीके से स्टॉक का मिलान करवाकर पूर्ण खाद्यान्न आवंटित किया जावे, अन्यथा स्थिति में हम खाद्यान्न वितरण नहीं कर पाएंगे। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र कटारे ने बताया कि हम सबकी उचित मूल्य की दुकानों पर शासन द्वारा वितरण सामग्री में 50% से लेकर 90% तक की कटौती की गई है। हालात यह है कि कहीं शक्कर नहीं है तो कहीं नमक नहीं है, इस कारण हम लोगों को खाद्यान्न वितरण करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार तो मारपीट की नौबत भी आ जाती है और शासन के निर्देश है कि सही प्रकार से अगर खाद्यान्न वितरित नहीं होगा तो वितरक के नाम पर FIR भी होगी। अनुविभागीय अधिकारी आरती यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश पर माह के पहले सप्ताह में खाद्यान्न दिवस मनाना है, जो कि 7 जनवरी को मनाया जाएगा। उसी संबंध में उचित मूल्य के वितरकों का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न नहीं है। इस संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन देकर अवगत कराया गया है। उनके ज्ञापन पर विचार कर जिला प्रशासन को इस घटनाक्रम के अवगत कराया जाएगा एवं जो समस्या है उसका निराकरण जल्द से जल्द कराया जाएगा, ताकि खाद्यान्न सही ढंग से वितरित हो सके। विदिशा कुरवाई से आशीष सहेली की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, आज सहकारिता समिति के राजेंद्र कटारे जी जो जिला अध्यक्ष है, उनकी लेटर पैड पे एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। और आप लोगों को विदित होगा कि माननीय CM साहब के इनोवेशन से अन्न उत्सव मनाया जाना है प्रत्येक महीने के पहले हफ्ते में, और जनवरी में यह 7 जनवरी को मनाया जाना है, जिसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी हितग्राही हैं उन सभी को और अधिकतम लोगों को खाद्यान्न मिल जाए। इसी कार्य को पूरा करने में जो बेसिक प्रॉब्लम जा रही है और जिसके लिए ज्ञापन मिला है कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें जबकि हमारे पास उतना खाद्यान्न स्टॉक में है ही नहीं और हमारे खाद्यान्नों की कटौती भी की गई है, तो निश्चित तौर पे इसके लिए जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और इस समस्या का निदान किया जाएगा।